हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग कॉल। ट्रेडर्स, आज आप के लिए फिर से लेके आ गए हैं 4 से 5 इंट्राडे स्टॉक्स जो कल के लिए रहने वाले हैं, जिनमें कल एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो उनकी पूरी डिटेल एनालिसिस करके हम लोग देख रहे होंगे किस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, साथ में किस तरीके का प्रोजेक्शन अभी वो शो कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले अपने उन स्टॉक्स की एनालिसिस के साथ जो मैंने आज वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए दी हुई थी, जिनमें आज एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद कल वाले ट्रेडिंग सेशन के भी स्टॉक्स को देख रहे होंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक था जो कल वाली वीडियो मैंने आपको दिया हुआ था जिसमें आज ट्रेड करना था, तो वो था हमारा पावर ग्रिड कॉर्प का। कल वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से इसकी एनालिसिस को डिस्कस किया हुआ था। इसमें यहाँ पे हमारी ट्रेड एक्टिवेट हुई थी जिस तरीके से लेवल्स आपको प्रोवाइड कराए गए थे, और उसके बाद बहुत ईजिली हमें अपने पहला और ऑलमोस्ट दूसरा टारगेट था वो थोड़ा मिस हो गया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें देखने को मिला। अगर आपने भी इन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड किया होगा तो आपको भी काफ़ी बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला होगा ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये था हमारा पहला स्टॉक। वहीं अपने दूसरे स्टॉक की बात करें जो कल आपको दिया हुआ था, वो था हमारा सिप्ला लिमिटेड का। इसमें भी ट्रेडर्स यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी जिस तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ था, और उसके बाद इसमें हमारा पहला टारगेट बहुत ही ईजिली हमें देखने को मिल गया था। और उसके बाद क्या था, दूसरा टारगेट था वो वहाँ से मिस हो गया था। उसके बाद दोबारा इसने नीचे की साइड काफ़ी अच्छा डिप लिया और ऊपर की साइड दोबारा बहुत ही अच्छा मूव दिया था। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया था इस वाली कैंडल पे आने के बाद में, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एक बियरिश साइन बना हुआ था यहाँ पे, और एक तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा था ये बियरिश हैमर कैंडल, बियरिश हरामी कैंडल बनी हुई थी जो टोटली बियरिश होती है। उसके बाद जो आप देख पा रहे होंगे जो दूसरा वाला हाई था, ये वाला जहाँ पे ये हरामी कैंडल बनी हुई थी, वो पिछले वाले हाई से थोड़ा लो बना हुआ था, जिससे यहाँ पे टोटली वीकनेस शो हो रही थी। इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉफिट को बुक कर लिया था पहली टारगेट पे। बट अगर आप फर्दर लेवल्स के लिए ट्राई कर रहे होंगे तो भी आपको एक इसमें बहुत ही माइनर सा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। बट अगर आपने इस वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ट्रैप कर लिया होगा तो आप बहुत इजीली इसमें अपने एक अच्छा प्रॉफिट के साथ निकल सकते थे। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक, इसमें भी काफ़ी बम्पर प्रॉफिट देखने को मिले। मैं अपने तीसरे स्टॉक की बात करें जो दिया हुआ था, वो था हमारा JSW स्टील लिमिटेड का। इसमें भी नीचे की साइड हमारे लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड एक्टिवेट हुई, और इसमें भी हमारे पहले दूसरे दोनों टारगेट्स हमें देखने को मिले और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल ट्रेड रही जिस तरीके से एग्जैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था उस तरीके से। ठीक है, तो ये थी हमारी तीसरी ट्रेड। वहीं अपनी चौथी ट्रेड की बात करें, वो थी हमारी वेदांता लिमिटेड की। इसमें कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुई, हमारे लेवल से इसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी। तो ये थे ट्रेडर्स चारों स्टॉक, जिनमें 3 में काफ़ी बम्पर प्रॉफिट देखने को मिले और 1 में कोई भी प्रॉफिट या लॉस देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन रहा। तो चलिए अपने कल वाले स्टॉक्स की एनालिसिस को देख लेते हैं, जिनमें कल आज की तरह एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स, अगर बात करें अपने उन स्टॉक्स की जो कल के लिए रहने वाले हैं, तो सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा, वो रहेगा हैवेल्स इंडिया का। इसमें बहुत ही अच्छा एक काइंड असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें जो ये वाला जोन है बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। पहले यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट फेस किया हुआ था, अभी यहाँ से ये स्टॉक हमारा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और नीचे वाली ट्रेंड लाइन है बहुत ही अच्छी एक सपोर्ट लाइन बनी हुई, यहाँ से हमारे स्टॉक ने 1 बार 2 बार 3 बार काफ़ी अच्छे से सपोर्ट फेस किया हुआ है। इन दोनों लेवल्स को मिला के इसने बहुत ही अच्छा एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है। अभी इसमें हमारी किस तरीके से ट्रेड कर रहे होंगे, पहले इसकी 15 मिनट की कैंडलस्टिक्स को 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे। उसके बाद क्या है ट्रेडर्स, अगर कोई भी अच्छी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे या फिर इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो वहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी और ये हम अपने पहले और दूसरे लेवल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड में। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें कल हमें देखने को मिल सकता है, तो कल आप इसे अपने क्लोज आई में रख सकते हैं और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका आपको मिल सकता है। वहीं पर दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का। इसमें भी काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न बना हुआ है, बट इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। नीचे वाला जोन बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन, यहाँ से मल्टीपल टाइम मल्टीपल कैंडल्स के साथ सपोर्ट फेस किया हुआ है, अगेन दोबारा वहीं से सपोर्ट फेस किया हुआ है। और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई, यहाँ से हमारे स्टॉक ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार काफ़ी अच्छे से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया हुआ है। तो अभी इसमें भी हम अपने पिछले वाले स्टॉक की तरह ही ट्रेड को एक्सक्लूड करेंगे, पहले 5 मिनट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे। उसके बाद कोई भी कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर या नीचे क्लोजिंग देती है तो वहाँ पर हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी, इसलिए हम अपने पहले दूसरे लेवल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें हमें देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें अपने तीसरे स्टॉक की ट्रेडर्स जो कल के लिए रहेगा, वो हमारा SCL टेक का। इसमें भी एकदम सिमिलर जो हमारा पिछला वाला स्टॉक था कोटक महिंद्रा बैंक वाला, सिमिलर टाइप का पैटर्न इसमें भी फॉर्म किया हुआ है। तो इसमें भी उसी लेवल्स के हिसाब से उसी तरीके से इसमें भी हमारी ट्रेड को एक्सक्लूड कर रहे होंगे हम लोग। वहीं बात करें अपने चौथे स्टॉक की, उसमें भी कुछ सिमिलर टाइप का ही पैटर्न बना हुआ है। तो इसमें भी पिछले स्टॉक है जो हमारा SCL टेक वाला, उसकी तरीके से भी इसमें भी अपनी ट्रेड को एक्सक्लूड कर रहे होंगे। पहले 15 मिनट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज करेंगे, उसके बाद कोई भी अच्छी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल इसके ऊपर या फिर इस वाले जोन के नीचे क्लोजिंग देगी तो वहाँ पर हमारी उसी साइड की ट्रेड एक्टिवेट होगी और इजली हम अपने पहले दूसरे लेवल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें कल देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडर्स, ये थे चारों स्टॉक जो कल के लिए रहेंगे। बाकी जो कल के स्टॉक्स हैं उनकी भी एनालिसिस को हमने देख ही लिया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। होप है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू।